हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस वहां पे पहुंची, उसका ब्रेकअप हुआ था, इसकी वजह से उसने ये कदम उठाया है। पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस प्रॉपर करेगी। इस वक्त है हमारे साथ चंद्रकांत यादव जी, उनसे जानना चाहूंगी कि तुनिशा केस पे ये क्या कुछ बोलना चाहेंगे, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट इनको कहां से मिली? हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस वहां पे पहुंची और वहां पे जाने के बाद पुलिस ने इंक्वेस्ट पंचनामा करके बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। तुनिशा के मॉम ने जब FIR दर्ज किया तो क्या क्या उन्होंने दर्ज किया, किस बेसिस पे आप ये किस केस को आगे बढ़ा रहे? माँ ने इतना ही बताया है मेन, उसका ब्रेकअप हुआ था, इसकी वजह से उसने ये कदम उठाया है। लव याद का भी एंगल आ रहा है, उस पर क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे, वो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, उसमें नहीं। तुनिशा के प्रेग्नेंट न्यूज की जो खबरें हैं वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, उसको लेकर क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से जांच पड़ताल हुई है? पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं हुआ है। जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आगे पुलिस कार्रवाई करेगी, 15 दिन जिस तरीके से ये सिचुएशन अभी बना हुआ है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस प्रॉपर करेगी। जानना चाहूंगी कि सेजान इस पे क्या कुछ बोले हैं अभी तक उस पे क्या बोलना चाहेंगे, किस तरीके से वो अभी बयान दे रहे हैं? वो बयान लिया जाएगा और बाद में वो इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद बताया जाएगा।